हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने दो जो है क्वेश्चन 7 मार्क्स के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर 10 वाला सॉल्व कर लिया तो 7 वाला आसान हो जाएगा, अगर आपने 7 वाला सॉल्व कर लिया तो 2 मार्क्स जो क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है पहला जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर एंटी डायबिटिक एजेंट। एंटी डायबिटिक एजेंट का यहाँ पे आपको डिफिनेशन देना है, फिर क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट। जो एंटी डायबिटिक एजेंट होता है इसी को बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट बोलते हैं, तो इसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको देना है। फिर इसके बाद आपको जो हमारा सल्फोनिल यूरियाज होता है इसका आपको सार यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में लिखना है। और इसके साथ साथ 10 मार्क्स में पूछा गया तो थोड़ा लॉन्ग होगा ही, तो यहाँ पे टॉलब्यूटामाइड का सिंथेसिस लिखना है। तो सबसे पहले आपको इन सभी क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं, अगर उसको आप समझ लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को आधा कर लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बॉडी में इंसुलिन कैसे बनती है, कहाँ से सिक्रेट होती है। तो हमारे जो पैनक्रियाज होता है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो पैनक्रियाज होता है ये हमारा डियोडेनम होता है। पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें एक होता है इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पैनक्रियाज में, तो इसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं। इसी को थोड़ा अगर हम जूम आउट करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो इसमें 3 तरीके के सेल देखने के मिलती है। तो मैंने तीनों का अलग अलग शेप से बना दिया आपको समझने के लिए। तो सबसे पहली सेल हमारी है अल्फ़ा सेल, दूसरी हमारी बीटा सेल है, और तीसरी हमारी गामा सेल। जो अल्फ़ा सेल है यह हमारे ग्लूकोगन को रिलीज करने का काम करती है, और बीटा सेल जो है इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करती है, और हमारा जो गामा सेल है यह सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करती है। अब आपको इसको याद करने का तरीका भी मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ट्रिक फार्मेसी में आए, तो ये ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ GIS। तो जिस आप ट्रिक याद रख लीजिए, अल्फा बीटा गामा तो एक सिक्वेंस में है ही, तो जी फॉर हो गया ग्लूकोगन, मतलब अल्फा जो सेल है यह हमारा ग्लूकोगन को सिक्रेट करती है, और बी फॉर मतलब बीटा से बीटा आप जान गए बीटा सेल है, आई से हो गया हमारा इंसुलिन, मतलब बीटा जो सेल है यह इंसुलिन को सिक्रेट करती है, और गामा सेल हमारा सोमैटोस्टैटिन को सिक्रेट करती है। तो अब क्या होता है कि हमारा जो ये सभी मतलब कि हमें सिर्फ मतलब है इंसुलिन का, इंसुलिन ही आपको डायबिटीज़ का मतलब रीज़न है कि इसी वजह से डायबिटीज़ होती है। अगर इसका जो सिक्रेशन है, अगर हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वह हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल है वह हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है। तो आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे ही इंसुलिन का जो लेवल है वह डिक्रीज़ होता है हमारे ब्लड में, तैसे ही हमारा जो ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगी। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे और याद रखनी है कि जो हमारा नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है 70 से 100 मिली mg पर DL होता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ फ्रेंड बता दें कि जब हमारा यहाँ पे डायबिटीज़ लिख देते हैं, डायबिटीज़ उसको बोलते हैं जब हमारा ब्लड शुगर लेवल या बोल सकते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल जब इनक्रीज़ कर जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डायबिटीज़ जो होता है वह हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस होता है, एक हमारा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस होता है। जो हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस होता है इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मिटाइलस भी बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ मिटाइलस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बच्चों में होता है, तो मैंने लिख दिया मोस्टली अकर्स इन चिल्ड्रेन, या बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल होती है, मैंने यहाँ पे बताया कि बीटा जो सेल हमारी है यही हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है बच्चों के अंदर, तो उसमें क्या होता है जब ये हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो
इंसुलिन का सिक्रेशन क्या होगा, वह हमारा घट जाएगा, मतलब कि इंसुलिन का सिक्रेशन होगा नहीं, तो क्या होगा बच्चों में जो ग्लूकोज का लेवल है वह बढ़ जाता है, तो उनके जो अंदर जो डायबिटीज़ होती है तो उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस बोलते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस के बारे में। तो ये जो होता है ये एडल्ट पर्सन में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन है इंसुलिन का सिक्रेशन घट जाता है, मतलब कि इंसुलिन तो सिक्रेट होता है बीटा सेल के थ्रू लेकिन कम होता है। जब हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन घटेगा तो ग्लूकोज का लेवल उस टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो पर्सन को जो डायबिटीज़ होगी उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो अब क्या करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एंटी डायबिटिक एजेंट, तो एंटी डायबिटिक एजेंट उसको बोलते हैं जो इसी क्या करते हैं, जो डायबिटीज़ को ट्रीट करता है, जो डायबिटीज़ को क्या करे ट्रीट करे उसी को बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट। मतलब कि ये क्या करता है कि जो इंसुलिन है इंसुलिन का सिक्रेशन को बढ़ा देगा और ग्लूकोज की लेवल को क्या करेगा कम कर देगा। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो हमारा जो है ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो हमारे नॉर्मल पे लाने का काम करता है हमारा जो एंटी डायबिटिक एजेंट। तो मैं वही यहाँ पे लिखा हूँ, तो मैंने बता दिया जो सारी चीज़ें। तो एंटी डायबिटिक एजेंट उसको बोलते हैं कि जो क्या करता है डायबिटीज़ को ट्रीट करता है उसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट। तो मैंने बता दिया कि डायबिटीज़ होती कैसे है, डायबिटीज़ तब होती है जब हमारा ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है तो पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन बोलते हैं उसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया एंटी का मतलब होता है अपोज, डायबिटिक का मतलब होता है डायबिटीज़, ड्रग का एजेंट का मतलब होता है ड्रग। तो ऐसा एजेंट जो डायबिटीज़ के अपोज काम करे तो उसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट बोलते हैं। तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ आर कॉल्ड एंटी डायबिटिक एजेंट। ऐसे एजेंट जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको एंटी डायबिटिक एजेंट बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में तो सबसे पहले आप एंटी डायबिटिक एजेंट बताने से पहले आपको डायबिटीज़ के बारे में बताना है, इंसुलिन क्या होती है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तब उसके बाद आपको बताना है एंटी डायबिटिक एजेंट क्या होता है, तो आपके पेज बहुत भर जाएंगे, तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा तो कि बच्चा जो लिखा है उसको कुछ ना कुछ पता था अच्छे से, तो आपको फुल मार्क्स देने की चांसेस रहेगी। तो आप बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछा गया है। तो क्लासिफिकेशन में पहला आता है हमारा सल्फोनील यूरिया, तो इसमें तीन जनरेशन आती है, मैंने तीनों जनरेशन में जो जो ड्रग्स आती सभी के नाम लिख दिया, सभी का नाम बताऊंगा तो टाइम बहुत ही लग जाएगा। तो पहला आता है सल्फोनील यूरिया, दूसरा आता है बिगुनाइट्स, तो इसमें तीन ड्रग है जो हमारी मेटफॉर्मिन है, यह इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। और सल्फोनील यूरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 7 मार्क्स में पूछा गया, इसका सार भी पूछा गया है। और इसमें जो टॉलब्यूटामाइड है यह भी 7 मार्क्स में भी पूछा गया, और यहाँ पे भी देखिए पूछा गया है, ठीक है, लास्ट में सिंथेसिस की पूछी गई है। तो यहाँ पे आता है तीसरा हमारा जो है थायाजोली डाइओन आता है, ठीक है, यह भी जो है इसका 60 नोट्स 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं मेगलेटिनाइड्स के, इसमें 2 ड्रग्स आती है हमारी, लास्ट जो आता है हमारा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तब भी आपको यहाँ पे देख लेना है। अब आगे मैंने अभी आपको सॉल्व करा दिया एंटी डायबिटिक एजेंट होता क्या, डायबिटीज़ हमारे बॉडी में कैसे होती है, ये भी मैंने बता दिया, क्लासिफिकेशन भी अभी आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं जो हमारा सल्फोनील यूरिया होता है इसके सार के बारे में, तो इसका सार देखिए 2-3 जगह पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3rd देखेंगे जो हमने 7 मार्क्स के बताए हैं आपको, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1st है वहाँ पे भी हमने इसको डिस्क्राइब किया, तो वहीं से मैं आपको बता देता हूँ। जो टॉलब्यूटामाइड का मैंने बताया है, टॉलब्यूटामाइड यहाँ पे अगर CH3 लगा देते हैं टॉलब्यूटामाइड हो जाएगा, तो अभी तो ये हमारा सल्फोनील यूरियाज ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं इतने तो बोलेंगे एरोमेटिक रिंग हमारी है, इतने को मतलब अगर इतने सारे को लूँगे तो उसको बोलेंगे एरिल सल्फोनील ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा जो आता है ये हमारा आता है यूरियाज ग्रुप में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ए होता है, मतलब कि जो एरिल सल्फोनिल जो ग्रुप होता है यह ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा यूरिया ग्रुप होता है, ये हमारा इतना यूरियाज ग्रुप है, ये हमारा क्या होता है एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। और यहाँ पे जो हमारा एलिफैटिक ग्रुप है ये क्या करता है कि जो लिपोफिलासिटी है उसको शो करने का काम करता है। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 3-6
अगर नंबर कार्बन है मतलब 3 से 6 कार्बन अगर यहाँ पे हैं तो वहाँ पे उस टाइम ऑप्टिमल एक्टिविटी रहेगी मतलब ड्रग की। अगर यहाँ पे क्या करते हैं कि एरिल ग्रुप को ही हम ऐड कर देते तो उस टाइम ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डिक्रीज होगी तो मतलब कि यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी है ड्रग की वह इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको इतना मैंने सिंपली बता दिया, वही चीज़ें यहीं पर लिखी गई हैं उसको भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले पोजीशन पे क्या हो, द सब्स्टिट्यूशन ऑन एरिल रिंग R1, तो यहाँ R1 पोजीशन पे क्या हो रहा है, तो R1 पोजीशन पे ही मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमारा जो ये हमारा जो इतना एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग का ये हमारा पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे ही हम कोई चीज़ें जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही हम जोड़ते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम मिथाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, डाई थायो मिथाइल ग्रुप, अगर हम R1 पोजीशन पे अगर हम जोड़ते हैं तो उस टाइम क्या होगी कि जो एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एक्टिविटी है ड्रग की वह हमारी बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये हमारा R1 पोजीशन था, ये R1 पोजीशन है। अब इस R1 पोजीशन पे मान लीजिए हमने CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, जैसे ही हमने CH3 ग्रुप हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये मतलब कि हमारी ड्रग क्या हो गई, टालब्यूटामाइड हो गई, मतलब कि इस टाइम क्या होगी, ड्रग की एक्टिविटी हमारी इन्हेंस कर जाएगी। तो वही चीज़ें लिखी गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा यही R1 पोजीशन था, इस R1 पोजीशन पे हम क्या कर देते हैं, CL ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो हमने CL ग्रुप, मैंने यहाँ पे क्लोरो ग्रुप अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है इस टाइम भी ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हम ब्रोमो ग्रुप लगा देंगे तब भी हमारी ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा पैरा पोजीशन मतलब ए वाला पोजीशन जो है, ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को शो करने का काम करता है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे बात करते हैं, जो हमारा आगे चीज़ें लिखी गई हैं, जो हमारा सेकंड पोजीशन है मतलब कि जो हमारा एलिफैटिक ग्रुप है, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एन टर्मिनल है मतलब कि ए वाला, ए हमारा क्या है, एन टर्मिनल है, इसको बोलेंगे हम एन टर्मिनल बोलते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब कि ये क्या करता है कि एन एन टर्मिनल जो होता है यह हमारे लिपोफिलासिटी एक्टिविटी शो करने का काम करता है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा एन टर्मिनल है इसमें मिथाइल या हम इथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो उस टाइम क्या होगी, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होगा, ड्रग की कोई भी एक्टिविटी नहीं शो होगा। अगर इस पे क्या करते हैं, अगर हाइयर ग्रुप मतलब कि जैसे प्रोपेन, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, प्रोपाइल मतलब कि कार्बन नंबर 11 तक अगर उस पे हम ऐड करते हैं उस टाइम तक क्या होगी कि जो ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं उसी एन टर्मिनल पे मतलब इस वाले टर्मिनल पे अगर हम कार्बन नंबर 11 तक ऐड करते हैं तो ड्रग की एक्टिविटी अच्छी शो करेगी। लेकिन अगर इसी जगह पे क्या करते हैं, अगर हम 3 से मतलब कम कार्बन इस पे ऐड करते हैं तो ड्रग की एक्टिविटी वहाँ पर कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कार्बन नंबर 12 से ज़्यादा हम ऐड करते हैं तो उस टाइम भी जो ड्रग की एक्टिविटी है वह हमारी लॉस्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। आई होप आपको जो सार है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, हमारे सल्फोनिल यूरिया का सार आपने समझ लिया, अब इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में समझते हैं। मैंने जो क्वेश्चन में मेंशन किया है तो मोड ऑफ एक्शन में सबसे पहले आप पैनक्रियाज बनाएंगे, पैनक्रियाज में इसको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, पहले इसको जूम करके बनाएंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल, एक गामा सेल। अल्फा सेल जो होती है ग्लूकोगन को सिक्रेट करती है, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रेट करती है और गामा सेल सोमैटोस्टैटिन को सिक्रेट करती है। तो इसी बीटा सेल को मैंने यहाँ पे जूम आउट करके इस तरीके से यहाँ पे बना लिया है। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे एक हमारा रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं GLUT2, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है इस रिसेप्टर के थ्रू आएगा, जो हमारी ये बीटा सेल है, बीटा सेल के अंदर आएगा ग्लूकोज, इसके क्या होगा कि यह ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम है इसके प्रेजेंस में यह ग्लूकोज मतलब 6-ग्लूकोज फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह जो 6-ग्लूकोज फॉस्फेट है इसका यूज़ कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसका यूज़ करके ADP बनाता है और ATP बनाता है। फिर जैसे ही हमारा ATP
और एडीपी जैसे इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारा पोटेशियम चैनल है, ये हमारे यहाँ से पोटेशियम जो है पोटेशियम चैनल के थ्रू बाहर निकलने लगता है। जैसे ही पोटेशियम चैनल के थ्रू हमारा पोटेशियम बाहर निकलेगा, उस टाइम क्या होगा कि जो हमारा कैल्शियम चैनल है ये हमारा क्लोज हो जाएगा। जब हमारा कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होगा नहीं। जब इंसुलिन का सिक्रेशन होगा नहीं तो उस टाइम हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाएगा तो पर्सन को डायबिटीज हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम सल्फोनिल यूरियाज देते हैं, मतलब ड्रग देते हैं, ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं सल्फोनिल यूरियाज रिसेप्टर, ये रिसेप्टर मैंने बना दिया है। सल्फोनिल यूरियाज रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, जो हमारा पोटेशियम था इसके ई फ्लक्स को तुरंत ही ब्लॉक कर देगा, मतलब ई फ्लक्स इसका ब्लॉक कर देगा। जैसे इसका ई फ्लक्स जैसे ही ब्लॉक होगा, तुरंत हमारा जो कैल्शियम चैनल है, मतलब कि ये हमारा जो वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल है, ये तुरंत ही वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो कैल्शियम क्या होगा, यहाँ से इंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंटर जैसे ही होगा, ये क्या करेगा, जो ग्रेन्यूल्स हैं इंसुलिन के, जो एक ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इसको क्या करेगा, यहाँ से इंसुलिन को सिक्रेट करेगा। इंसुलिन का जो सिक्रेशन होगा यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इंसुलिन का सिक्रेशन हमारे ब्लड में होने लगेगा। जैसे ही इंसुलिन का सिक्रेशन हमारे ब्लड में होने लगेगा तो ये क्या करेगा, जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा था उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। जब ग्लूकोज लेवल हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो पर्सन को जो डायबिटीज हुआ रहेगा वह ट्रीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है एंटी डायबिटिक एजेंट, मतलब कि सल्फोनिल यूरियाज, इस तरीके से हमारी काम करती है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया, सल्फोनिल यूरियाज जो हमारी ड्रग है यह बाइंड करती है सल्फोनिल यूरियाज रिसेप्टर से, जो कि बीटा सेल में प्रेजेंट होती है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। जैसे ही बाइंड होगी तो ये क्या करेगा, जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम के ई फ्लक्स को तुरंत ही, यहाँ पे जो पोटेशियम ई फ्लक्स हो रहा था इसको तुरंत ही ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा जो कैल्शियम चैनल है ये हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा तो हमारा जो इंसुलिन है, इंसुलिन का सिक्रेशन तुरंत होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इंसुलिन का सिक्रेशन होने लगेगा, वो क्या करेगा, जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा था उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा और डायबिटीज़ को ट्रीट कर देगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप इस तरीके से बना के लिखेंगे। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, इसमें टॉलब्यूटामाइड का जो सिंथेसिस पूछा गया है। तो सबसे पहले टॉलब्यूटामाइड होता क्या है इसके बारे में आप लिखेंगे, तब सिंथेसिस के बारे में लिखेंगे। तो जो टॉलब्यूटामाइड है यह हमारे सल्फोनिल यूरियाज की, मतलब फर्स्ट जनरेशन की ड्रग मानी जाती है, एंटी डायबिटिक ड्रग मानी जाती है। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन में भी इसको मैंने यहाँ पे देखिए दिखाया था। तो हमारे जो सल्फोनिल यूरियाज में है, फर्स्ट जनरेशन की ड्रग हमारी टॉलब्यूटामाइड मानी जाती है, होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हमारा टॉलब्यूटामाइड है इसका हम यूज़ जो है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, एक हमारा यहाँ पे मेथिल ग्रुप होता है, एक हमारा एरोमेटिक ग्रुप होता है, इस पूरे को बोलते हैं सल्फोनिल ग्रुप बोलते हैं, ये हमारा जो है यूरियाज ग्रुप है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है टॉलब्यूटामाइड बना होता है, इसका स्ट्रक्चर। अब इसके सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 4-methylbenzene-sulfonamide लेते हैं। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं एथिल क्लोरोफॉर्मेट से करवाते हैं। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ का जो एक एच है, इस क्लोर मतलब सी एल को लेके, मतलब एलिमिनेट यहाँ पे देख लीजिए हो गया है, और यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ से सी एल निकला, यहाँ से एक एच निकला, तो और जो बाकी चीज़ें हैं आके यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो ऐड हो जाएंगी तो इसको बोल देंगे हम एथाइल टॉसिल कार्बोमेट बोलेंगे, तो हमारा यह बन जाएगा। फिर इसका हम रिएक्शन करवा देंगे ब्यूटिल एमीन, या बोल सकते हैं एमिनो ब्यूटेन से रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा टॉलब्यूटामाइड बन जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपने जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आगे हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, क्लासीफाइज सल्फोनिल यूरियाज एज बिगोनाइड्स डेरिवेटिव्स राइट सार ऑफ टॉलब्यूटामाइड। तो यहाँ पे सल्फोनिल जो यूरियाज होती है इसका आपको क्लासिफिकेशन देना है, और बिगोनाइड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है, मतलब इसके डेरिवेटिव्स का नाम लिखना है, और टॉलब्यूटामाइड का आपको सार के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब लिखेंगे तो ऐसी जो अगर आपको आती है जो डायबिटिक एजेंट आते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है डायबिटीज़ होती क्या है,
ठीक है। इसके बारे में आपको टाइप के बारे में लिखना है, डायबिटीज़ जो मैंने अभी आपको 10 मार्क्स में कराया है उसके बारे में, ठीक है, और एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में लिखेंगे, तब उसके बाद आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे। तो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन दिखाया भी था, मैंने कराया भी जो 10 मार्क्स वाला आपको करा के मैंने बताया था, तो यहाँ पर मैंने बताया था एंटी डायबिटिक एजेंट होते क्या हैं, तो वहीं से आप लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, सीधे मैंने डायरेक्ट लिख दिया सल्फोनील यूरिया से ही। तो सबसे पहले आपको डायबिटीज़ के बारे में जो मैंने अभी आपको लिख के बताया उसके बारे में लिखना है, एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में लिखना है, तब उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है, सल्फोनील यूरियाज और बिगुनाइट्स के बारे में। अगर आपको पूरा याद रहता तो आप पूरा क्लासिफिकेशन लिख देंगे, आपके लिए और ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फोनील यूरियाज होती क्या है। जो हमारी सल्फोनील यूरियाज होती है ये हमारी ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट होती है, मतलब कि एंटी डायबिटिक एजेंट होती है। ये हमारी जो एंटी डायबिटिक की फर्स्ट क्लास की हमारी ड्रग होती है। जो हमारा सल्फोनील यूरियाज होता है इसका हम यूज़ जो होता है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो हमारा सल्फोनील यूरियाज होता है इसका जो अगला नाम है इंसुलिन सिक्रेटा गोगुएस, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसका नाम ज़रूर से आप याद करके ही रखिएगा। जो हमारा सल्फोनील यूरियाज अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक हमारा जो ए इतना सारा है इसको बोलते हैं एरिल सल्फोनील ग्रुप होता है। ए हमारा इतना जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं यूरिया ग्रुप। तो इन्हीं से मिलकर हमारा सल्फोनील यूरियाज बना होता है, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, सल्फोनील यूरियाज के क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमारी तीन जनरेशन की ड्रग आती है। फर्स्ट जनरेशन में आती है हमारी क्लोरप्रोपामाइड आती है और हमारी टॉलब्यूटामाइड आती है। टॉलब्यूटामाइड इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आपने देखा और 7 मार्क्स में अभी आप 2-3 बार ही देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन सभी बनाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले वहाँ से लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो अगर आप इसकी नोट्स आते हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पर इसकी नोट्स अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन में हमारी जो ड्रग आती है ग्लिपेजाइड आती है। थर्ड जनरेशन में आती है हमारी ग्लिम्पेराइड आती है। अब बिगुनाइट डेरिवेटिव से इसमें बात करते हैं, तो हमारा पहला फेनफॉर्मिन आता है, दूसरा मेटफॉर्मिन और बटफॉर्मिन आता है। तो इसमें हमारा जो मेटफॉर्मिन है इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछा गया, मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आगे आपने बात कर दिया सल्फोनील यूरियाज के क्लासिफिकेशन के बारे में, अब जो बिगुनाइट डेरिवेटिव से इसके बारे में भी देख लिया। अब बात करते हैं जो हमारा टॉलब्यूटामाइड है इसके सार के बारे में। तो टॉलब्यूटामाइड का सार बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, मैंने 10 मार्क्स में भी अभी आपको दिखाया था, यही मैंने दिखाया था, ठीक है। ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वह हमारा सल्फोनील यूरियाज का है। अगर यहीं पे हम R1 पोजीशन पे CH3 ग्रुप ऐड कर देते तो वह हमारा टॉलब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर में जो सल्फोनील यूरियाज में बना है वही मैं सेम समझाऊंगा, बस आप यहाँ पे मान के चलिएगा हमारा CH3 ग्रुप ऐड है, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा एरिल सल्फोनील ग्रुप है ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को शो करने का काम करता है, और जो हमारा यहाँ पे यूरियाज ग्रुप है ये हमारे ड्रग की एक्टिविटीज के लिए इसेंशियल होता है। और यहाँ पे जो हमारा R2 पोजीशन मतलब कि एलिफेटिक ग्रुप जो यहाँ पे रहते हैं, अगर यहाँ पे हमारे जो एलिफेटिक ग्रुप हैं ये क्या करते हैं कि लिपोफिलिसिटी एक्टिविटीज़ शो करने का काम करते हैं। अगर यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है 3 से लेके 6 तक रहेगी तो ड्रग की जो एक्टिविटी है वह ऑप्टिमल पे रहेगी, मतलब पीक पोजीशन पे रहेगी। अगर हम क्या करते हैं इस एलिफेटिक जो ग्रुप है इसको हटा के अगर हम कोई एरिल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उस टाइम क्या होगी जो ड्रग की एक्टिविटी है वह डिक्रीज हो जाएगी और इसके साथ साथ जो ड्रग की टॉक्सिसिटी वह बढ़ जाएगी। तो ये इतना आप अगर आपको कुछ नहीं याद है तो आप इतना अगर याद रख लेते हैं तो कुछ ना कुछ आप बना के लिख लेते हैं। अब आपको डिटेल में कैसे लिखना है ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा पोजीशन R1 पोजीशन है मतलब कि एरिल रिंग है, मतलब कि इस वाले पैरा पोजीशन पे ही आपको यहाँ पे एडिशन करना मतलब सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर हम इस जो हमारा पैरा पोजीशन है इस पर हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उस टाइम क्या होगी, मतलब कि अगर हम मिथाइल ग्रुप या एस्टाइल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, डाइथायो मिथाइल ग्रुप, ये सभी चीज़ें अगर हम ऐड करते हैं तो उस टाइम क्या होगी जो ड्रग की एक्टिविटी रहेगी वह हमारी बढ़ जाएगी, मतलब कि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमारे यही जो R1 पोजीशन है
और हमारा जो ये हमारा एरिल सल्फोनिल ग्रुप है ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को शो करने का काम करता है। तो हमारा टॉल ब्यूटामाइड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर हमने आर वन पोजिशन पे सी एस थ्री ग्रुप ऐड कर दिया तो हमारा टॉल ब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो टॉल ब्यूटामाइड ड्रग क्या है, यह मतलब कि ये ड्रग की एक्टिविटीज़ की इंक्रीज कर दे रही है, मतलब सी एस थ्री ग्रुप जैसे ही यहाँ पे ऐड हुआ तो ड्रग की एक्टिविटीज़ क्या हो गई, वह हमारी बढ़ गई। तो ठीक है, तो हमारे पैरा पोजिशन जो होते हैं इस पे अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो ये क्या करता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने का काम करता है। तो मैंने बता दिया कि अगर इस पे आर वन पोजिशन पे क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ऐड किया है यहाँ पे अगर सी एस थ्री ग्रुप ऐड करते हैं तो टॉल ब्यूटामाइड बन जाता है, सी एल ग्रुप ऐड करते हैं क्लोरोप्रोफामाइड बन जाता है उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा आर टू पोजिशन पे अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक, आर टू पोजिशन वाला अभी आपको नहीं बता रहे हैं तो आर वन पोजिशन वाला ही बता रहे हैं। अब बात करते हैं आर टू पोजीशन, मतलब यहाँ जो ए वाला टर्मिनल है, एस एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल से अगर हम कोई भी चीज़ें ऐड करते हैं तो ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। एन टर्मिनल पे जो भी चीज़ें जुड़ी होती हैं इम्पॉर्टेंट होती है लिपोफिलासिटी एक्टिविटीज़ के लिए। अगर हम जो हमारा एन टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल पे अगर हम क्या करते हैं मेथिल या एथिल ग्रुप ऐड करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ शो नहीं होगी। अगर इसी स्थान पे क्या करते हैं अगर हम एन प्रोपाइल ग्रुप या हायर कार्बन ऐड कर देते हैं, मतलब कि कार्बन 11 कार्बन अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उस टाइम क्या होगी कि जो ड्रग की एक्टिविटीज़ रहेगी वह ऑप्टिमम पोजिशन पर रहेगी। अगर हम क्या करते हैं यहीं पर 11 से ज़्यादा कार्बन अगर हम ऐड कर देते हैं तो उस टाइम क्या होगी ड्रग की एक्टिविटी लॉस्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने बता दिया टॉल ब्यूटामाइड का सार के बारे में, आई होप आपको सार पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राइट द स्ट्रक्चुरल क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, राइट द मैकेनिज्म ऑफ बेंजोकेन। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज अगर 7 मार्क्स 10 मार्क्स में दी रहे, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आप किस क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन किया गया है उस टॉपिक के बारे में लिखे। तो ये हमारा लोकल एनेस्थेटिक से पूछा गया, तो सबसे पहले लोकल एनेस्थेटिक होती क्या इसके बारे में लिखेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है किसी एक पार्टिकुलर एरिया पे जो सेंसेशन है मतलब पेन है उसी को क्या करता है कम कर देता है, उसी को बोलते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल का मतलब होता है एक पार्टिकुलर एरिया, एनेस्थेटिक का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब किसी एक पार्टिकुलर एरिया पे जो सेंसेशन को लॉस कर दे उसी को बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक। मान लीजिए कि ये हमारी एरिया है, इसी पे हमें बहुत पेन हो रहा है, इस पे क्या करते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक जैसे इन देंगे तो इतनी जो दूर की इतनी एरिया के जो सेंसेशन है मतलब जो पेन है वह गायब हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया बेंजोकेन, प्रोकेन, कोकेन एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो ये हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक आखिर हमारे बॉडी के अंदर क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके वजह से सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो हम जैसे ही लोकल एनेस्थेटिक देते हैं ये क्या करते हैं जो सोडियम है सोडियम की एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही सोडियम की एंट्री को ब्लॉक कर देंगे तो इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा, तो इम्पल्स का जनरेशन नहीं हुआ तो इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हुआ। जब इन सब का मतलब इम्पल्स जनरेशन नहीं होगा, ठीक है, और हमारा कंडक्शन नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में पेन नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कैसे नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी मसल्स है, मसल्स में मान लीजिए कोई हमने पिन चुभाया, मान लीजिए कि हमारी मसल्स है, मसल्स में जैसे ही मैंने पिन चुभाया तो हमारी सेंसरी क्या ले गई, मैसेज ले गई CNS के बाद, भैया हमारे बॉडी में कोई चीज़ चुभ रही है। तो हमारी मोटर क्या लाएगी, तुरंत मैसेज लाएगी भैया हटा लीजिए हमारे बॉडी में पेन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पेन होता है, ठीक है, जैसे ही लोकल एनास्थेटिक हम देते हैं ये क्या करता है ना तो मैसेज को ले जाने देता है ना तो मैसेज को वापस लाने देता है। तो ना तो मैसेज जाएगा ना तो आएगा, मतलब कि ये क्या करेगा जो हमारे सेंसरी नर्व हैं और जो हमारे मोटर नर्व हैं इन्हीं के कंडक्शन को ब्लॉक कर देता है। इन्हीं का कंडक्शन जब ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे बॉडी में पेन होगा नहीं। तो इस तरीके से लोकल एनास्थेटिक काम करते हैं। ये और आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे बॉडी में एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर आपको याद रखना कि एसिडिक मीडियम होती है। तो एक्सॉन का जो ऊपरी लेयर मैंने यहाँ पे बना लिया है, जो नीचे वाली लेयर है मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन बना लिया है।
अब इसमें एक चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम चैनल, जिसके थ्रू हमारा सोडियम इंटर होता है और इम्पल्स का जनरेशन होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। जैसे ही लोकल एनास्थेटिक देते हैं, लोकल एनास्थेटिक हमारे आउटसाइड जो बॉडी होती है वह हमारे अनायनाइज फॉर्म में रहती है जैसे ही हम देते हैं, ठीक है। और आपको ये बात याद रखना है, यहाँ पर जो हमारी लोकल एनास्थेटिक होती है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू क्रॉस करके जाएंगी, जो हमारे एक्सॉन के एसिडिक मीडियम मतलब बीच में आ जाएंगी। तो जैसे ही आएंगे एसिडिक मीडियम में मिलेंगे, तुरंत ये आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, जो सोडियम चैनल है इसी को ब्लॉक कर देंगे, इधर साइड भी ब्लॉक कर देंगे, तो सोडियम की यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी। जब सोडियम की एंट्री नहीं हो पाएगी तो इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा और ना तो कंडक्शन होगा। जब इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में पेन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे लोकल एनास्थेटिक ड्रग काम करते हैं। तो आइए आगे समझते हैं हमारे जो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चुरल क्लासिफिकेशन आपको देना है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं लोकल एनास्थेटिक के। तो सबसे पहला आता है हमारा बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें हमारी इतने ड्रग आती हैं, सभी ड्रग के नाम आप यहाँ से खुद देख सकते हैं, नहीं तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। दूसरा हमारा आता है एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। तीसरा आता है हमारा लिडोकेन या एनिनेलाइड डेरिवेटिव्स आता है। और हमारा चौथा जो आता है मिसलेनियस आते हैं। तो इसमें मैंने बेंजोकेन का जो है इस संथेसिस भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर मान लीजिए कि संथेसिस भी पूछ लेता है इस जगह पे, क्वेश्चन घुमा के थोड़ा दे सकता है मैकेनिज्म के दर पे, मान लीजिए संथेसिस दे दिया तो आप कोई भी आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, यहाँ पर खोजना ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर संथेसिस भी मैंसन कर दिया है। तो हमारे बेंजोकेन है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके संथेसिस के बारे में बात करते हैं। पहले आप टॉल्यूइन जो हमारा होता है बेंजीन बना के एक CH3 लगा दीजिए तो हमारा टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो टॉल्यूइन का क्या कर देते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, HNO3 से H2SO4 से नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनता है हमारा बनता है 1-methyl-4-nitro-benzene बनता है। मतलब कि यहाँ पे एक हमारा नाइट्रेशन करवा रहा है तो NO2 ग्रुप हमारा यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। अब इसका क्या करते हैं, KMnO4 से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, मतलब 1-methyl-4-nitro-benzene का रिएक्शन KMnO4 से करवाएंगे तो हमारा जो बनता है 4-nitro-बेंजोइक एसिड बन जाता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, एस्ट्रिफिकेशन करवाते हैं। एस्ट्रिफिकेशन हम करवाते हैं H2SO4 से C2S5OS से करवाते हैं, मतलब एथिल अल्कोहल से करवाते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वह हमारा बनता है एथिल 4-nitro-बेंजोइड बन जाता है, ठीक है, एट लगा मतलब यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन हुआ है। फिर इसका कराते हैं हम SN और HCl से इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे बन जाता है बेंजोकेन, जो हमारा संथीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे संथीज भी लिख सकते हैं। अब हमें जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको लिखना है बेंजोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो बेंजोकेन क्या करता है, जो हमारा सोडियम चैनल है मैंने बताया कि सोडियम चैनल है इसी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जब सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देगा, मतलब कि इस जो हमारा यहाँ पे सोडियम चैनल है जब इसी को ब्लॉक कर देगा तो सोडियम की एंट्री यहाँ पे हो नहीं पाएगी। जब सोडियम की एंट्री नहीं हो पाएगी तो इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन नहीं होगा, तो हमारे बॉडी में पेन नहीं होगी। तो वही चीज़ें लिखी गई हैं, हमारा बेंजोकेन क्या करता है, जो बाइंड करता है सोडियम चैनल से और क्या करता है, जो सोडियम की एंट्री है उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे ही सोडियम की एंट्री ब्लॉक कर देता है तो इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा और हमारा कंडक्शन नहीं होगा। जैसे इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन हमारा डिक्रीज होगा तो हमारे बॉडी में पेन जो होगी कम हो जाएगी, ठीक है, तो हमें दर्द होगा नहीं। देखिए जब भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी ड्रग का पूछा जाता है तो आपको यूज जरूर से लिख के आना है, एक दो यूज जरूर से ही लिख के आना है। जो हमारे जो बेंजोकेन है इसका यूज़ हम सरफेस एनेस्थीसिया में करते हैं, मतलब जो हमारी म्यूकोशल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके सरफेस पे देते हैं। जैसे मान लीजिए माउथ की हमारी जो म्यूकोशल मेम्ब्रेन है उस पर देने का काम करते हैं, नोज की म्यूकोशल मेम्ब्रेन है उस पर देने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस एनेस्थीसिया बोलते हैं। जो हमारी बेंजोकेन होती है इसका यूज़ हम ईयर ड्रॉप में भी करते हैं, हमारी जो क्रीम्स आती है उसमें भी करते हैं, ऑइंटमेंट्स में करते हैं, लोशन में करते हैं, सॉल्यूशन में करते हैं, स्प्रे में करते हैं, जेल में, सपोजिटरीज में। इसका हम 20% जो कंसंट्रेशन हम इसका टॉपिकल एनाल्जेसिया के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं इन सारे फॉर्मुलेशंस में। इसका हम यूज़ जो होते हैं, जो हमारे गले में अगर कोई भी पेन हो रही है, सो मतलब जिसको बोलते हैं सोर थ्रॉट,
ठीक है, उसको भी रिलीव करने के लिए हम लोकल मतलब कि बेंजोकेन का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारे दांतों में कोई भी पेन हो रहा है उसको भी रिलीव करने के लिए हम बेंजोकेन का यूज़ करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो तीसरा आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई एंटी डायबिटिक एजेंट, डिस्कस सार ऑफ सल्फोनिल यूरियाज एंड गिव सेंथिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने जो 10 मार्क्स से क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराए थे सबसे पहले, अगर वो आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपने ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। मैंने बताया कि जब डायबिटिक वाला आएगा तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, डायबिटीज़ होता क्या है, एंड फिर डायबिटीज़ के टाइप, फिर इसके बाद लिखेंगे एंटी डायबिटिक एजेंट, तब उसके बाद क्लासिफिकेशन, तब उसके बाद आपको डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखनी है मैंने बता दिया, ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में देख लेते हैं। एंटी डायबिटिक एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको हम एंटी डायबिटिक एजेंट बोलते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको पहले भी बताया, 2 बार मैंने बता चुका है, तो यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं टॉलब्यूटामाइड के सेंथिस के बारे में। तो टॉलब्यूटामाइड का जो सेंथिस है, या यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन में मेंशन किया हूँ उसके बारे में देख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे सबसे पहले सल्फोनील यूरियास का सार लिखना, तब उसके बारे में संथीज लिखनी है। तो सबसे पहले सार के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फोनील यूरियास पहले होता क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। जो हमारी सल्फोनील यूरियाज होती है ये हमारी ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट होता है, मतलब कि इसका हम जो यूज़ हो करते हैं डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो यह 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है एरिल सल्फोनिल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं, और ये हमारा एक होता है यूरिया ग्रुप होता है, ठीक है, इनसे मिलके हमारा जो है सल्फोनिल यूरियाज बना होता है। अब इसके बारे में, इसके जो सार मैंने जो क्वेश्चन में मेंशन किया उसके बारे में देखते हैं। जो टॉलब्यूटामाइड वाला मैंने बताया, या मैंने जो 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया वहाँ पे भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी थोड़ा ओवरव्यू मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पे एरिल सल्फोनिल ग्रुप होता है, यूरियाज ग्रुप होता है, और हमारा एक एलिफेटिक ग्रुप लगा होता है। जो हमारा एरिल सल्फोनिल ग्रुप होता है या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को शो करने का काम करता है, जो हमारा यूरिया ग्रुप होता है एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है, जो हमारी एलिफैटिक ग्रुप होता है, इस यहाँ पे क्या करते हैं, एलिफैटिक की जगह हम कोई एरिल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो उस टाइम क्या होगी, जो ड्रग की एक्टिविटी हमारी है वह हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और हमारी टॉक्सिसिटी जो ड्रग की वह बढ़ जाएगी। और हमारे जो एलिफैटिक ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, लिपोफिलिसिटी शो कर मतलब कि एक्टिविटी शो करने का काम करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इस जगह पर R2 पोजिशन पर अगर 3 से 6 कार्बन तक ऐड करते हैं, कार्बन की संख्या अगर 3 से 6 रहती है, तो उस टाइम क्या होगी, ड्रग की जो एक्टिविटी है वह ऑप्टिमल एक्टिविटी मतलब कि उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, पीक पोजीशन पे मतलब एक्टिविटी शो करने का काम करेगा। तो वही चीज़ें लिखी गई यहाँ पे, मतलब कि हमारा जो सबसे पहला लिखा गया द सब्स्टिट्यूशन ऑन एरिल रिंग, जो हमारा R1 पोजीशन है इसी पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन बोलते हैं। इस एक जो हमारा पैरा पोजीशन होता है इस पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो मतलब ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने का काम करता है। आगे चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर जो हमारा R1 पोजीशन है, R1 पोजीशन पे अगर हम क्या करते हैं, इस वाले पोजीशन पे अगर हम ऐड करते हैं मेथिल ग्रुप ऐड करते हैं, और एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं, एमिनो ग्रुप ऐड करते हैं, या क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, या डायथायोमेथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो उस टाइम क्या होगी कि जो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी है ड्रग की वह हमारी बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, अगर मैंने देख लीजिए इस R1 पोजिशन पर CH3 ग्रुप मतलब मेथिल ग्रुप ऐड किया है, तो ड्रग की एक्टिविटी क्या हो गई, इन्हेंस हो गई, तो हमारा टॉलब्यूटामाइड बन गया है। अब क्या करते हैं, इसी R1 पोजिशन पर मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दिया, CL ग्रुप हमने मतलब कि क्लोरो ग्रुप ऐड कर दिया, तो हमारा क्लोरो प्रोपामाइड का स्ट्रक्चर बन गया है, तो हमारी ड्रग की एक्टिविटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या करते हैं, जो हमारा R2 पोजीशन है, मैंने जो R2 पोजीशन यहाँ पे बनाया है, R2 पोजीशन पे अब क्या करते हैं, ये इसमें हमारा यह लिपोफिलिसिटी एक्टिविटीज शो करने का काम करता है, यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो एन टर्मिनल होता है, ए वाला टर्मिनल इसको बोलेंगे एन टर्मिनल,
एन टर्मिनल से अगर हम क्या करते हैं कोई मिथाइल ग्रुप या तो एथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होगी। मैंने बोला था कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कम से कम छः से तीन से छः होनी ही चाहिए, तभी हमारा जो ड्रग है ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करेगा। तो हमारे मिथाइल और जो हमारे एथाइल ग्रुप हैं इसमें कार्बन की संख्या हमारे दो और एक होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होगी। अगर हम क्या करते हैं एन टर्मिनल से प्रोपिल ग्रुप ऐड कर देते हैं, मतलब लॉन्ग चेन ऐड करते हैं, तो उस टाइम क्या होगी ड्रग की एक्टिविटी बहुत ही बढ़ जाएगी, मतलब ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करेगा। या तो यहाँ पे कार्बन की संख्या आप 11 तक ऐड करते हैं तो उस टाइम क्या होगी ड्रग की एक्टिविटीज़ अच्छी मानी जाएगी। अगर क्या करते हैं कि अगर तीन से कम, मतलब कि कार्बन की संख्या अगर हम दो दो तीन तक ऐड करते हैं, मतलब तीन से अगर कम रहेगी तो ड्रग की एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी लॉस्ट हो जाएगी। अगर हमारा कार्बन की संख्या 11 रहेगी, 11 से ज़्यादा अगर होती है तब भी हमारी ड्रग की एक्टिविटीज़ लॉस्ट हो जाएगी। अब हमारे जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था, उस क्वेश्चन में हमारा जो पूछा गया था टॉल ब्यूटामाइड पूछा गया था। तो टॉल ब्यूटामाइड में आप लिख लेते हैं टॉल ब्यूटामाइड पहले होती क्या है। तो टॉल ब्यूटामाइड हमारे जो फर्स्ट जनरेशन मतलब सल्फोनिल यूरियास की हमारी पहली ड्रग मानी जाती है और यह हमारी एंटी डायबिटिक एजेंट होती है, मतलब जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट बोलते हैं। तो हमारा टॉल ब्यूटामाइड एंटी डायबिटिक एजेंट होता है, मतलब यह डायबिटीज़ को ट्रीट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से देख के लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके संथिस के बारे में। तो इसके संथिस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं 4-methylbenzene-sulfonamide लेते हैं, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एथिल क्लोरोफॉर्मेट से। तो यहाँ का जो क्लोरीन है Cl है, यहाँ के एक H लिख के H लेकर निकल जाता तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है और ये सारी चीज़ें आके इसी जगह पे ऐड हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे आके ऐड हो गई तो हमारा एथिल टॉसलो कार्बोमेड बना लिया। तो अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम ब्यूटिल एमिन या बोल सकते हैं एमिनो ब्यूटेन से करवाते हैं, तो हमारा जो बनता है वह हमारा टॉल ब्यूटामाइड बन जाता है। अब आगे बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया क्लासीफाई लोकल एनास्थेटिक विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लोकल एनास्थेटिक क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन देना है और इसका एग्जांपल लिखना है, और यहाँ पे आपको जो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, मतलब इसका स्ट्रक्चर यूज ठीक है सभी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लोकल एनास्थेटिक के क्लासिफिकेशन, लोकल एनास्थेटिक क्या होती इसके एग्जांपल के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वही चीज़ें जो लिखी गई वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूँ। तो मैंने लोकल एनास्थेटिक क्या होती इसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। लोकल एनास्थेटिक कैसे काम करती है इन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया और इसका क्लासिफिकेशन में भी मैंने बता दिया है। तो क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे सिर्फ बेंजो के जो हमारे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं इसका ही यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो क्लासिफिकेशन आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से जाके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बताना बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें जो हमारे आते हैं इसमें हमारी टोटल 5 ड्रग आती है, नहीं पांचों ड्रग के बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो पांचों ड्रग के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारे आते हैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में पहले आते हैं हमारे कोकेन आते हैं। कोकेन जो होते हैं हमारे एक तरीके के एल्कलॉइड होते हैं, जो है हमारे एक तरीके के लीव्स होती है जिसको बोलते हैं एथ्रोक्सीलोन कोका, इसी से ये ऑप्टेन किए जाते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं कि यह टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं, इसका जो 1-2% जो सॉल्यूशन है यह लोकल एनास्थेटिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि अगर ईयर नोज और थ्रॉट और रेक्टम या वेजाइना में वेजाइनल एनास्थीसिया के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसको आप बना सकते हैं यहाँ से देख के। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो जो हमारा कोकेन ड्रग है ये क्या करता है सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देता है। जैसे ही सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, जैसे हम कोकेन ड्रग देते हैं ये क्या करेगा इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। जब सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है तो इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन नहीं हो पाता, तो हमारे बॉडी में पेन नहीं हो पाता। तो यही वाला आपको बना के यहाँ पे लिखना, मैंने सीधे सीधे लिख दिया है। जैसे कोकेन क्या करेगा सोडियम चैनल, सोडियम आयन जो चैनल है इससे बाइंड करेगा, तो क्या करता है जो
सोडियम की एंट्री है उसको प्रिवेंट कर देता है। जैसे सोडियम की एंट्री प्रिवेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल एक्शन है वह डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल जो एक्शन डिक्रीज होगा तो इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा और ना तो कंडक्शन होगा, तो हमारे बॉडी में जो है पेन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा जो हमारा कोकेन होता है काम करता है। आगे बात करते हैं, कोकेन के बाद आता है हमारा जो दूसरी ड्रग आती है हेक्सलोकेन आती है। तो हेक्सलोकेन जो होती है यह शॉर्ट एक्टिंग जो है लोकल एनास्थेटिक हमारी होती है, शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक होती है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन कोकेन की तरह ही सेम है, वही आप मोड ऑफ एक्शन इसमें लिख देंगे। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज़ हम ओरल सर्जरी में करते हैं और हम सर्फेस एनास्थीसिया के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा मेप्रिल है, मेप्रिल केन जो आता है, मेप्रिल केन की बात करते हैं। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना होता है, स्ट्रक्चर आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए, खूब बनाइए, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। तो इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सेम हमारा जो मैंने कोकेन का बताया वही वाला सेम है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज़ हम जो होता है कि अगर हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें डैमेज हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है या रेक्टम वेजाइनल जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं अगर इसमें कोई भी मतलब पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और इसका यूज हम टॉपिकल एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं साइक्लोमेथाइल केन के बारे में, ठीक है, मेथिल केन, साइक्लोमेथिल केन के बारे में। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना होता है, इसकी तरह थोड़ा मोड़ा सेम मिलता जुलता है, ठीक है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जैसे आप मोड ऑफ एक्शन उसका लिखे हैं, ठीक है, जैसे कोकेन का लिखे हैं तो उसी तरीके से सेम है। इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ सेम हमारा मेप्रिल केन की ही तरह होता है, ठीक है। तो आपने इसमें इतनी चार ड्रग देख ली, एक ड्रग आपको देखना है पिप्रोकेन। पिप्रोकेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है, पिप्रोकेन का स्ट्रक्चर। इसका मोड ऑफ एक्शन में आप कोकेन की तरह ही लिख देंगे, सेम वही रहेगा। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज हम सरफेस एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर दांतों में अगर हमारे कोई भी पेन हो रहा है उसको भी ट्रीट करने के लिए, उसमें जो पेन है उसको भी कम करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासीफाई लोकल एनास्थेटिक एजेंट, ये देख लीजिए बहुत ही बार पूछ चुका है क्लासीफाई लोकल एनास्थेटिक, ये दो तीन बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन पेपर में, तो ये हर साल आने के चांसेस रहते हैं। इसमें लिखना है एंड राइट ए सिंथेस मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ प्रोकेन। तो प्रोकेन का आपको सिंथेस लिखना है, इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है, इसका यूज लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखी है। तो क्वेश्चन टू में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया, दो दो बार मैंने क्लासीफिकेशन लोकल एनास्थेटिक का सॉल्व दिया, तो वहां से देख सकते हैं। तो यहां पे मैं सिर्फ प्रोकेन के बारे में ही बताऊंगा। तो प्रोकेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रोकेन की अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो प्रोकेन क्या होता है कि यह जो है पहले हमारा अनआयनाइज फॉर्म में रहता है, जैसे ही क्या करता है हमारे एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करता है, ये हमारा आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयनाइज फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये क्या करता है, जो सोडियम चैनल है इसको ब्लॉक कर देगा। जब सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा मतलब सोडियम की एंट्री नहीं हो पाएगी, तो जब सोडियम की एंट्री डिक्रीज हो जाएगी तो इम्पल्स का जो जनरेशन है और कंडक्शन है वह भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो बॉडी में पेन थी वह अभी हमारी क्या डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा लोकल एनास्थेटिक काम करता है। तो मैंने वही चीजें लिखी है कि हमारा जो प्रोकेन है यह हमारा क्या करता है, सोडियम चैनल से बाइंड करता है, सोडियम की एंट्री को डिक्रीज कर देता है, फिर उसके बाद इंपल्स की जनरेशन और कंडक्शन को डिक्रीज कर देता है, तो हमारी बॉडी में पेन कम हो जाती है। अब इसके संथिस के बारे में बात कर लेते हैं, संदेश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं 4-aminobenzoic acid लेते हैं। तो इसका रिएक्शन हम करवाते हैं 2NN diethylaminoethanol से। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ का H यहाँ का OH मतलब A लेके वाटर बना के निकल जाते हैं और हमारा बन जाता है प्रोकेन, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ का OH निकला तो ये सारी चीज़ें आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होंगी तो हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर जो है प्रोकेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से संथीज आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यूजेस तो मैंने बताया कि हर चीज़ में मतलब कि कोई भी ड्रग दी है तो उसका यूज़ ज़रूर से लिखना है। तो इसका यूज़ हम जो है
इनफिल्ट्रेशन एनास्थीसिया के रूप में यूज करते हैं। इनफिल्ट्रेशन एनास्थीसिया का मतलब है इसको हम स्किन के नीचे क्या करते हैं, स्किन में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। और जो होता है नर्व ब्लॉक एनास्थीसिया के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब इसका जो यूज हम मतलब इंजेक्ट करते हैं, जो हमारी नर्व ट्रंक होती हैं उसमें हम इंजेक्ट करने का काम करते हैं। जब हम करते हैं तो मतलब ये क्या करता है कि जो पेरिफेरल एनास्थीसिया को के रूप में यूज किया जाता है, मतलब कि सबसे पहला लिखेंगे यूज की इनफिल्ट्रेशन एनास्थीसिया के रूप में यूज करते हैं, दूसरा इसका यूज नर्व ब्लॉक एनास्थीसिया के रूप में करते हैं, तीसरा लिखेंगे जो एपिड्यूरल ब्लॉक एनास्थीसिया है, मतलब इसको जो हमारे ड्यूरा मेटल्स होते हैं, ड्यूरा मेटल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्पेस में भरा होता है, एक सेमी लिक्विड होती है, ठीक है, उसमें इसको दिया जाता है, मतलब या बोल सकते हैं स्पाइनल एनास्थीसिया के रूप में भी इसका हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लोकल एनास्थेटिक क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे, लोकल एनास्थेटिक कैसे काम करती है उसके बारे में भी लिखेंगे, जो मैंने पहले सॉल्व करा दिया आपको, तो वही चीज़ें बार बार मैं नहीं लिखा हूं, तो वहीं से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तब उसके बाद आप प्रोकेन के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है। तो हमारा 7 मार्क्स में लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सार ऑफ लोकल एनास्थेटिक। तो लोकल एनास्थेटिक का आपको यहाँ पे सार डिटेल में लिखना है 7 मार्क्स में। तो जब भी ये क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले लोकल एनास्थेटिक होती क्या इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, तब उसके बाद आप सार लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सार की बात करते हैं लोकल एनास्थेटिक की। तो जो हमारा लोकल एनास्थेटिक का सार है ये हमारा 3 पार्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा लिपोफिलिक रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है हमारा एस्टर जिसको हम एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। तीसरा हमारा जो पार्ट होता है इसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट या एमिनो ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो ये एस्टर डेरिवेटिव्स के लिए है जिसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ये हमारा है एनिलाइड डेरिवेटिव जिसको हम एमाइड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो आपने अगर लोकल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन देखा होगा तो आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएगी कौन कौन सी ड्रग दी गई है हमारे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में, कौन कौन सी ड्रग दी गई है एमाइड डेरिवेटिव्स में। सिर्फ आपको याद क्या रखनी है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप देख लीजिए इसमें नॉर्मली क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहले एरोमेटिक रिंग होती है, दोनों में एरोमेटिक रिंग है जिसको हम बोलते हैं लिपोफिलिक पार्ट हमारा है। इस जो हमारा एस्टर डेरिवेटिव्स होंगे इसमें एस्टर ग्रुप लगे रहेंगे और हमारे जो एनिलाइड्स डेरिवेटिव मतलब कि एमाइड डेरिवेटिव्स रहेंगे इसमें हमारे एमाइड ग्रुप लगे रहेंगे, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें भी हमारे एल्किल चैन लगे होते हैं, इसमें भी हमारे एल्किल चैन लगे होते हैं, इसमें भी हमारा एमिनो ग्रुप होता है जिसको हाइड्रोफिलिक ग्रुप बोलते हैं, इसमें भी हमारा एमिनो ग्रुप लगा होता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहला जो पार्ट है एरोमेटिक रिंग के बारे में लिखेंगे। एरोमेटिक रिंग हम दोनों की बात कर रहे हैं, इसके भी एरोमेटिक रिंग के बारे में, इसके भी एरोमेटिक रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग से अगर हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, हमारा जो एक कार्बोनिल ग्रुप है यह अगर हमारे डायरेक्टली अटैच है हमारे एरोमेटिक रिंग से, तो हमारी जो ड्रग की एक्टिविटीज़ है वह हमारी बढ़ जाएगी। अगर दूसरे बात करते हैं, अगर जो हमारा आर्थो पोजीशन और हमारा जो पैरा पोजीशन है, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अगर हम क्या करते हैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड किया है तो ड्रग की जो है पोटेंसी है, लोकल एनास्थेटिक की जो पोटेंसी है वह हमारी यहाँ पे देख लीजिए बढ़ गई है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे क्या लिखेंगे, अब क्या करते हैं जो हमारा ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप पे हम क्या करते हैं कोई भी मेथाइलिन ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं, मतलब कि जो हमारी बेंजीन रिंग है ये हमारी एरोमेटिक रिंग है और हमारे जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप हैं इन दोनों के बीच क्या करते हैं हम कोई एक मेथाइलिन ग्रुप ऐड करते हैं, तो उस टाइम क्या होगी कि जो ड्रग की एक्टिविटीज़ है, लोकल एनास्थेटिक की एक्टिविटीज़ है वह हमारी घट जाएगी। तो आप अगली पॉइंट फिर लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट पे आपके एमाइड डेरिवेटिव्स के लिए आपको यही लिखना है कि हम क्या करते हैं जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में मतलब जो हमारा आर्थो पोजीशन है दोनों साइड में, ए वाला भी आर्थो पोजीशन है, ए वाला भी आर्थो पोजीशन है, दोनों साइड में मतलब आर्थो पोजीशन पे अगर हम क्या करते हैं मेथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो हमारे जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वह हमारा बढ़ जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको इतना सारी समझ में आ गई होंगी। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, एल्किल चैन, जो मैंने आपको यहाँ पे एल्किल चैन बताया था, तो एल्किल चैन इसके लिए भी, एल्किल इसके लिए भी, एल्किल चैन दोनों के लिए ही बात कर रहे हैं। तो एल्किल चैन में क्या करेंगे, अगर हम एल्किल चैन जो हमारी है इसमें क्या करते हैं कि अगर हम एक लॉन्ग चैन ऐड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग कर देते हैं, इस साइड पे क्या करते हैं, एक ब्रांचिंग कर देते हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वह बढ़ जाएगा, मतलब कि लंबे समय तक ड्रग क्या होगी हमारे बॉडी में काम करती रहेगी। तो मैंने एग्जांपल भी, दो एग्जांपल भी मैंने लिख दिया है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा जो आता है इसमें, जो हमारा आता पार्ट थर्ड आता है, पार्ट थर्ड में जो हमारा एमिनो ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप देख लीजिए दोनों में लगा है, एस्टर डेरिवेटिव्स में भी हमारा एमिनो ग्रुप लगा है, और हमारा एनिलाइड जो डेरिवेटिव्स है इसमें भी हमारा एमिनो ग्रुप यहाँ पे ऐड है। तो अगर हमारा यहाँ पे हमारे अगर 2 डिग्री एमीन रहते हैं या 3 डिग्री अगर हमारे एमिनो ग्रुप यहाँ पे हैं, तो ये हमारे इसेंशियल होते हैं ड्रग की एक्टिविटी के लिए। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर 1 डिग्री एमीन अगर हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग की है, ड्रग के जो एक्टिविटीज़ है वह हमारी घट जाएगी। तो मतलब यहाँ पे 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन हमारे यहाँ पे इसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी डायबिटिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एंटी डायबिटिक एजेंट होता क्या, और उसका आपको 1 से 2 एग्जाम्पल लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैंने 7 मार्क्स वाले में और 10 मार्क्स वाले में भी मैंने इसको सॉल्व करा दिया है, तो यहाँ पे भी बता देता हूँ कि एंटी डायबिटिक एजेंट होते क्या हैं। तो एंटी डायबिटिक एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं जिसका यूज हम डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट बोलते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है, टॉलब्यूटामाइड बहुत ही फेमस है, ग्लिपेजाइड और मेटफॉर्मिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपने इसके पहले भी देख चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इसमें आपको डिफाइन करना, लोकल एनास्थेटिक एजेंट होते क्या हैं। तो मैं इसको भी 7 मार्क्स में सॉल्व करा चुका हूँ, यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि लोकल एनास्थेटिक एक ऐसे ड्रग होते हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया पे क्या करते हैं, जो सेंसेशन होता है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उसी को बोलते हैं लोकल एनास्थेटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका भी मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, प्रोकेन या कोकेन, दो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। अब तीसरा देख लीजिए, बेंजोकेन का यहाँ पे संधि लिखना है, यह 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में आना एकदम तय है, फिक्स है। तो यहाँ पे जो संधि हम देख लेते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हम जो टॉलुइन है, टॉलुइन का रिएक्शन करवाते हैं, मतलब यहाँ पे नाइट्रेशन करवाते हैं जो नाइट्रिक एसिड H2SO4 से, तो हमारा बनता है 1-methyl-4-nitrobenzene बनता है। अब इसका रिएक्शन हम KMnO4 से करवाएंगे, तो इसका KMnO4 से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बन जाता है 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाता है। अब 4-नाइट्रो जो बेंजोइक एसिड है, इसका हम क्या करते हैं, एस्टरीफिकेशन करते हैं H2SO4 और C2SO5, मतलब एथिल अल्कोहल से करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारा बनता है एथाइल 4-नाइट्रो-बेंजोएट बन रहा है, बेंजोएट मतलब यहाँ पे एस्टरीफिकेशन हुआ है। ठीक है, फिर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं SN और HCl से करवाते हैं, तो हमारा जो है बेंजोइक एसिड इस तरीके से बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया संथीज आपको कैसे लिखना है, 7 मार्क्स में भी मैंने इसको बताया आपको डिटेल में है। तो यहाँ पे अब देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आपको जो मेटफॉर्मिन ड्रग है हमारी, यह जो ड्रग है यह हमारी एंटी डायबिटिक एजेंट है। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, तो बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो हमारा जो मेटफॉर्मिन होता है, जैसे ही हम इसको लेते हैं, मतलब इसको खाते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारे लीवर होता है, लीवर में एक हमारा होता है एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं AMPK, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, इसका फुल फॉर्म होता है। ये मेटफॉर्मिन क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही एक्टिवेट करेगा तो ये क्या करते हैं, जो ग्लूकोजेनोसिस की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देगा, ए एंजाइम इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा। जब इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा तो हमारे जो बॉडी में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हमें डिक्रीज हो जाएगा। जब आपको पता है, जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो शुगर लेवल है वह हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो मेटफॉर्मिन का इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है,
तो इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका यूजेज भी पूछा गया है, ठीक है, इसका यूजेज भी आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे यूजेज और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया है। तो इसका यूजेज लिख सकते हैं कि जो टाइप सेकंड डायबिटीज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है, इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है, या बोल सकते हैं इरेगुलर पीरियड हो जाता है फीमेल में, तो उस टाइम हो जाता है पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम मेटफॉर्मिन का यूज करते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरिया। आपने इसको भी 7 मार्क्स में 2-3 बार सॉल्व किया है, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया है। तो सल्फोनिल यूरिया जो हमारा जो ड्रग है ये क्या करता है, जो सल्फोनिल यूरियाज रिसेप्टर है उससे बाइंड करता है। ये जो हमारा सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर होता है ये हमारा बीटा सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे ही इससे बाइंड करेगा तो क्या होगा कि जो पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा था वह हमारा ब्लॉक हो जाएगा। जब हमारा पोटेशियम का इफ्लक्स जैसे ही ब्लॉक होगा तुरंत हमारे जो कैल्शियम चैनल है ये हमारे ओपन हो जाते हैं। जैसे ही हमारे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते थे ये क्या करते थे, कैल्शियम चैनल जो हमारा होता था इंसुलिन का ग्रेन्यूल्स होता था उसका एक्सोसाइटोसिस, मतलब इंसुलिन का एक्सोसाइटोसिस करवाते थे, तो हमारा इंसुलिन वहां से सिक्रेट होने लगता था। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट होने लगेगा तो ग्लूकोज जो लेवल बढ़ा रहता था उसको क्या करता था, डिक्रीज कर देता था, मतलब नॉर्मल लेवल पे लाता था। इस तरीके से डायबिटीज को ट्रीट करते थे, मैंने आपको 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में सॉल्व करा दिया है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये कभी पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ले, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर मान लीजिए कि बाई चांस 7 मार्क्स में पूछ लेता कि क्लासीफाई कीजिए एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में, ठीक है, सॉरी क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई करिए लोकल एनास्थेटिक के बारे में, और वहाँ पे आपको डाइब्यूकेन के बारे में पूरा उसका सेंथिस और उसका यूज पूछ लेता है, मोड ऑफ एक्शन पूछ लेता है, तो आप मैंने जो है संथिस यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, और इसके पास इसके पहले मैंने लोकल एनास्थेटिक होती क्या है, लोकल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन सभी चीज़ें मैंने बता दिया, मोड ऑफ एक्शन भी बता दिया, तो संथिस सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है। 2 मार्क्स में यह पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारा स्टैटिन होता है इसका हम क्या रिएक्शन करवाते हैं, मतलब कि एसिटाइलेशन करवाते हैं, जो हमारा एस्टिक एनहाइड्राइड होता है इससे जब हम एसिटाइलेशन करवाते हैं इसका, तो हमारा बनता है एन एसिटाइल स्टैटिन बनता है, ठीक है, फिर इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH से करवाते हैं, तो हमारा जो बनता है 2-हाइड्रोक्सीजिनकोनिक एसिड बनता है। तब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है इसका, फिर हमारा बनता है 2-क्लोरोसिनोनिक क्लोराइड बनता है, फिर इसका हम रिएक्शन जो करवाते हैं डाई एथाइलिन डाई एमीन से इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा जो बनता है सिनकोनामाइड डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम ब्यूटा ऑक्साइड से करवाएंगे। जब इसका रिएक्शन हम सोडियम ब्यूटा ऑक्साइड से करवाते हैं तो हमारा जो बनता है वह हमारा डाइब्यूकेन बन जाता है, जो एक प्रकार की लोकल एनास्थेटिक ड्रग है हमारी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको संथिस भी इसकी बता दी है, तो यहाँ पे आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन ये है इसमें इसका यूज भी पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, तो यूज भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसका यूज हम जो है सरफेस एनास्थीसिया के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। सरफेस एनास्थीसिया क्या होती है, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। इसका यूज हम प्रूराइटिस स्किन में करते हैं, मान लीजिए कि प्रूराइटिस उसको बोलते हैं जब हमारे जो स्किन होती है इसमें काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रूराइटिस ऑफ स्किन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो स्वेलिंग अगर हमारे बॉडी में हो जाती है तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी में नंब पेन है, मतलब कि ऐसा पेन जो विदाउट फीलिंग के होता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है कि अगर हमारे बॉडी में ईचिंग हो रही है उसको भी रिलीव करने के लिए इसका हम डाइब्यूकेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 पूछा जाता है, डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायाजोलिडाइओन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में समझा देता हूँ कैसे आप इसको लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखी ही है, इसको आपको यहाँ पर डिटेल में समझा देते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो हमारा क्या होता है कि ये मान लीजिए हमारी न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे मान लीजिए डीएनए होता है, ऐसे इस तरीके से डीएनए होता है। अब इस पे हमारा एक होता है पी
पी पी ए आर गामा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सीसोम प्रोलाइफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ए क्या होता है कि ए हमारा यहाँ पे रिसेप्टर होता है, फिर हमारा क्या होता है कि इस तरीके से होता है, फिर जैसे ही हमारा जो टी जेड डी जिसको बोलते हैं थायाजोली डाइओन बोलते हैं, जैसे ही क्या करता है इस रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेगा तुरंत इसको एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा फिर यहाँ पे होता है हमारा हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि डीएनए से बनते हैं एमआरएनए, तो यहाँ पे हमारा एमआरएनए बन जाता है, ठीक है, एमआरएनए बन जाएगा। अब एमआरएनए के बाद क्या होता है, एमआरएनए के बाद होता है यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन में आपको पता है एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बनता है कि यहाँ पे ऐसे हमारा एमआरएनए हो गया, यहाँ पे हमारे राइबोसोम हो गए। अब ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे इस तरीके से बनाएंगे हमारे इंसुलिन बनाएंगे। अब ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता था उसको क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारा जो है थायाजोली डाइओन जो है ये क्या करता है, हमारा जो पी पी ए आर गामा रिसेप्टर है इससे बाइंड करता है। जैसे ही बाइंड करेगा ये क्या करता है कि जो इंसुलिन है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जैसे ही इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल जो हमारे बॉडी में बढ़ा रहता था उसको नॉर्मल स्टेज पे लाकर डायबिटीज़ को ट्रीट कर देता है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि हमारा जो थायाजोली डाइओन जो है ये क्या करता है कि जो पी पी ए आर गामा रिसेप्टर है इससे बाइंड करेगा, तो फिर क्या होगा कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर क्या होगा कि हमारा जो है एमआरएनए से बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनता है, मतलब कि ये हमारा बनेगा जो हमारा इंसुलिन है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता था उसको डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो वही चीज़ें इसको मैं लैंग्वेज में भी बना के यहाँ पे लिखा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा जो थायाजोली डाइओन है ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है जो हमारा रिसेप्टर होता है पी पी ए आर गामा रिसेप्टर होता है, एक प्रकार का यह न्यूक्लियस रिसेप्टर होता है। इसको जैसे ही एक्टिवेट करेगा तुरंत क्या होगा कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वह हमारी बढ़ जाती है, और जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, नॉर्मल लेवल पे लाता है और डायबिटीज़ को ट्रीट कर देता है। तो इस तरीके से आप इसका लिखेंगे मोड ऑफ एक्शन। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का थायाजोली डाइओन है इसी का पूछा जाता है, एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, तो इसको हम जो है ग्लिटाजोन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ग्लिटाजोन। ये क्या करता है कि मैंने बताया कि जो इंसुलिन है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए इसको हम इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसका हम जो यूज़ है, जो हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस है इसको ट्रीट करने के लिए हम जो है इसका हम यूज़ करते हैं, जो हमारी ये ड्रग है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है कि मैंने बताया कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर देता है, और जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में बढ़ा रहता था उसको मतलब कम करने का काम करता। तो इस तरीके से इसके आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। तो ट्रिक फार्मेसी में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो सभी के साथ शेयर करिएगा, और इसके नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करके आप PDF नोट्स वहाँ से ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दी गई है हमारी व्हाट्सएप लिंक, वहाँ पर ज्वाइन होकर इसकी नोट्स आप हमें मैसेज करके मांग सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।